Hello students, first of all, let us understand the question. So the question is that A5 is 12 and A15 is 400, then find S10. So let's start. So hame question mein given hai, A5 that is 5th term jo ki hai 12 and A15 yani 15th term jo ki hai 400. और हमें फाइंड क्या करना है, S10 यानी सम ऑफ 10 टर्म्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि मुझे फिफ्थ टर्म और 15 टर्म दिया है, तो मैं देख लेता हूं कि एपी के nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो जैसा कि a5 कितना है 12, तो A5 को मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिख सकता हूं, A प्लस 5 माइनस 1 दैट इज 4, D इक्वल टू 12। तो इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन 1। इसी तरह मेरे को A15 भी गिवन था, वो कितना था 400। तो A15 को मैं क्या लिख सकता हूं, A प्लस 15 माइनस 1 14, D इक्वल टू 400। तो ये हो गया इक्वेशन 2। अब अगर इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, सो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, वी विल गेट a प्लस 14d माइनस a माइनस 4d इक्वल टू 400 माइनस 12, विच इज a से कैंसिल, 14 माइनस 4 इज 10d और ये आ गया 400 माइनस 12 दैट इज 388। तो d विल बी इक्वल टू 388 अपॉन 10। ओके, तो अगर मैं इसे किसी एक इक्वेशन में पुट करूं, तो पुट दिस इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है a प्लस 4d इक्वल टू 12, तो a प्लस 4 इंटू डी दैट इज 388 बाय 10 इक्वल टू 12। ये आ गया, 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 जा और ये 2 5 जा, तो a प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 एंड 1 17, 3 2 जा 6 एंड 1 7 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 12। तो इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो a विल बी इक्वल टू 12 माइनस 7 7 6 डिवाइडेड बाय 5, तो a विल बी 5 आ गया एलसीएम, तो ये 12 5 जा 60 माइनस 7 7 6। ओके, तो 7 7 6 और ये 60, तो ये हो गया 7 16 डिवाइडेड बाय 5, तो a आ गया, d आ चुका है, मुझे क्या चाहिए था s10। तो सम ऑफ n टर्म्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n बाय 2 इनटू 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d। सो मुझे चाहिए s10, सो s10 विल बी इक्वल टू 10 अपॉन 2 इनटू 2a दैट इज माइनस 716 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी दैट इज 388 बाय 10। ये हो जाएगा 10 अपॉन 2। तो अगर मैं 2 इसमें से पूरे में से कॉमन निकाल दूं, तो ये आ गया 10 अपॉन 2, 2 कॉमन, तो ये 2 आ गया और ये 388 में से भी बचेगा कुछ, तो ये तो हो गया माइनस 716 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 9 इंटू, इस 388 में से 2 कॉमन लिया तो 194, ओके, डिवाइडेड बाय 10, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया 10 इंटू माइनस 716 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 9 से 9 4 जा 36, 9 9 जा 81 एंड 3 इज 84, 9 1 जा 9 प्लस 8 इज 17 अपॉन 10। तो अगर मैं एलसीएम लूं,
तो 10 और 5 का एलसीएम तो 10 ही आ जाएगा, सो ये हो गया 10 और ये हो गया 2 इंटू दिस इज 1432 प्लस 1746, तो ये 10 से 10 कैंसिल, तो अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 4632 हो गया 14, और 1700 में से 1400 इज 300, सो 314 जो हो गया वो S10 हो गया। सो अगर मैं ऑप्शन चेक करूं तो ऑप्शन ए जो है 314 ये हमारे आंसर से मैच कर रहा है, हिंस आई कैन से दैट ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू।